नमस्कार, जय हिंद। आज आप लोगों को जिस विषय पे बताने जा रही हूँ वो विषय क्या है? वो है मोटेरा स्टेडियम, वही वाला स्टेडियम जो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जा रहा है। और उसके बारे में आज बात करने का इसलिए बन रहा है क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम बदला गया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पे करवा दिया और ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने किया। अब देखिए, जो पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और बताती है कि किस प्रकार से जो डायनेस्टी है यानी कि खानदान, खानदानों पे बहुत बात करती है, तो आज का कमाल ये था कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह, जो अमित शाह जी के पुत्र हैं। धनिया पाउडर बेचते थे और बीसीसीआई के सचिव बनाए गए। किस कारण बनाए गए तो वही जानते, शायद बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे या गिल्ली डंडा खेलते होंगे, इस वजह से। अमित शाह के बेटे हैं इसलिए, और अमित शाह के बेटे हुए तो नरेंद्र मोदी जी के भी बेटे समान हुए, इसलिए उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। इस विषय पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन ये वंशवाद नहीं है तो क्या है, ये आप भी सोचकर बताइएगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ कि किस प्रकार से एक व्यक्ति होता है जिसको अपने बारे में इतना, अपने से प्यार, अपने से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपने जीवन काल में चाहता है कि मेरे नाम से ही कुछ चीजें बन जाए। मैं दो चीजें देख रही हूँ इसमें और ये मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से अगर ये स्टेडियम बनाया गया है, आज उनके नाम से कल बदल दिया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आप अपने से कितना प्यार करते हैं कि अपने जीवन काल में आप चाहते हैं कि चीजें आपके नाम पे बन जाए, है ना। इसके मुझे दो कारण दिखते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बता रही हूँ उसमें। और ये कोई भी पार्टी होती तब भी यही विश्लेषण यही रहता कि या तो आपने सब कुछ इतना कंट्रोल अपने में कर लिया और आपको लगता है कि आपको कोई नहीं हटाएगा, और आपको बहुत श्योर है, आप बहुत आपको पूरा भरोसा है कि भारत की जनता आप ही को बार बार चुनती रहेगी। एक तो कारण ये होता है क्योंकि आप जानते हैं फिर कोई भी आ जाए आप ही आएंगे, मतलब कोई भी आ जाए का मतलब है कि आप ही आएंगे, आप इतने श्योर होते हैं तो आपका नाम कोई हटाएगा नहीं जो स्टेडियम का नाम आपने बदल दिया। क्योंकि तानाशाहों का ना ये रवैया रहा है कि अपने नाम पे वो चीजों को करते रहे। भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल में अपने नाम पर चीजों को रखा। मायावती जो मुख्यमंत्री थी बसपा से उत्तर प्रदेश की, उन्होंने अवश्य ये काम किया था, और भी कुछ लोगों ने किया था, वो प्रधानमंत्री नहीं थे। और भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसके जीवन काल में जिन्होंने अपने नाम पर एक स्टेडियम को कर दिया, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। आप दूसरी बात, या तो ये है कि आपने इतने श्योर है कि आप हटने वाले नहीं है, और दूसरा कारण जानते हैं क्या है? दूसरा कारण ये है कि आपको लगता है कि मतलब अब आप जाने वाले हैं, इसलिए जो चीजें आप कर सकते हैं वो कर ले। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कारण जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाला समय बताएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इस वक्त क्या लग रहा है, क्या उन्होंने हड़बड़ाहट में ये काम किया। अब इसको कवर अप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कहते थे ना, आज इस विषय पर बोलते हैं, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज मेरे को आपको ये बताने का मौका मिल रहा है कि सरदार पटेल की इज्जत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने करी या नहीं करी। यही कहा जाता है ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि नहीं करा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेडियम है ये आज से सरदार पटेल के नाम पे नहीं है, बहुत पहले से सरदार पटेल के नाम पे है। मैं 1982 से 1900 से 2006 तक के बारे में आपको बता दूं कि पहले इसका नाम था गुजरात स्टेडियम। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि इसके बारे में बताऊं, आपको ये भी बता दूं कि 1970 ये देखिए 1995 14 मार्च को केशु भाई पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी के, वे पहली बारी मुख्यमंत्री बने थे। तो तब से भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे आ रही है। उसके पहले जनता दल भी आई वहां पे, जनता दल इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आई, और एक राष्ट्रीय जनता दल थी उसकी भी सरकार बनी। मगर अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1982 में गुजरात स्टेडियम जिस जिस स्टेडियम का नाम था वो यही वाला स्टेडियम था, और तब कांग्रेस की सरकार थी जब इस स्टेडियम को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया था, जो भारत के पहले गृह मंत्री और
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, और इसके पहले जितने इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे वो अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टेडियम में खेले जाते थे, जिसका नाम भी सरदार पटेल के ही नाम पर था। सरदार पटेल स्टेडियम है इसका नाम, और ये नवरंगपुरा एरिया में था। 1982 में सरकार, गुजरात की सरकार, तब 1982 की बात करें, 1982, उस समय गुजरात की सरकार ने 100 एकड़ भूमि, करीबन समझ लीजिए 4 लाख स्क्वायर मीटर की जो जमीन थी साबरमती नदी के बगल में, उसको दिया एक नए स्टेडियम को बनाने के लिए। और सरदार पटेल का ये जो स्टेडियम था, उनके नाम का, जो 1982 में सरकार ने जिसके लिए जमीन दी, वो 9 महीने के अंदर बनकर तैयार हो गया। उसके बाद से जितने इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस थे वो यहीं पे खेले जाते थे। 1984-85 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज जो हुई थी वो सरदार पटेल के ही इस स्टेट के नाम पर बने स्टेडियम में ही होस्ट किया गया था, वनडे इंटरनेशनल के तौर पर। ये 1984-85 की बात कर रहे हो, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था गुजरात की पॉलिटिक्स में। गुजरात थे, आरएसएस के प्रचारक थे, मगर आपको बता रही हूँ कि सरदार पटेल का मान सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया, उनके नाम पर ये स्टेडियम बने, और एक नहीं कई स्टेडियम। और फिर आपको बता दूं कि सुनील गावस्कर जो पहले क्रिकेटर थे 10,000 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध, वो इसी स्टेडियम में 1987 में हुआ। 1983 में मैं कपिल देव के बारे में आपको बता दूं, जिन्होंने 9 विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1983 में, और उनका जो 432वां टेस्ट विकेट था इसी स्टेडियम में लिया गया था, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए थे वो 1995 में। तब भी नरेंद्र मोदी जी का नाम गुजरात की पॉलिटिक्स में नहीं था। और कपिल देव ने जब ये 432nd अपना टेस्ट विकेट लिया था तो उन्होंने सर रिचर्ड हैडली का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और 1996 में आपको बता दूं कि यहीं पर एक और मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, जहां पे वो हार गए थे 105-170 के स्कोर से। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जावागल श्रीनाथ जो थे उन्होंने 6 विकेट लिए थे चौथे इनिंग, इस मैच के चौथे इनिंग में, और साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने एक री मैच खेला था जिसमें वो जीते थे। और इस तरह से तमाम ये सब कुछ हुआ था। फिर 2006 से 2015 का आपको बता दूं कि ये जो स्टेडियम था ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पे खेली गई थी 2006 में। प्रधानमंत्री मोदी जी तब तक सीन पर आ चुके थे। उसके बाद आपको बता दूं कि 15 गेम जो खेले गए थे उनमें से 5 गेम जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वो इसी स्टेडियम में खेले गए थे, और इसको इसको रेनोवेट करा गया था। समय के साथ चीजें बदली जाती हैं, उसको भी रेनोवेट करके इसमें 3 और नए पिच बनाए गए थे, और एक आउटफील्ड भी बनाया गया था। इसके अलावा जो स्टैंड थे उनको कवर कर दिया गया था, वहां तेज रोशनी वाले फ्लड लाइट्स लगा लिए गए थे, और तमाम ये सारे बदलाव किए गए थे। और सरदार पटेल स्टेडियम में हमेशा मैचेस होते रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के, और जो 1996 का वर्ल्ड कप था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच का, वो भी यहीं पे खेला गया था। लेकिन 87 में एक मैच खेला गया, 96 में भी, और 2011 के वर्ल्ड कप में यहाँ पे करीबन 3 जो मैचेस हैं वो खेले गए थे। क्वार्टर फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच था वो भी यही खेला गया था। सचिन तेंदुलकर जो है वो पहले क्रिकेटर बने थे 18,000 रन बनाने वाले यहीं पर वनडे इंटरनेशनल्स में। और अगर आप देखें कि 19 अगर 2017 तक जो डेटा है वो बताता है कि किस तरह से सरदार पटेल के स्टेडियम पे 12 टेस्ट मैच, 23 वनडे इंटरनेशनल और 1 T20 खेला गया। अब इसका जो रिकंस्ट्रक्शन की बातचीत 2015 से शुरू हो गई, तो इसको पूरा डिमोलिश करके दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करा गया, और इसको कई लोगों ने रेनोवेशन भी कहा, और इसका
खर्चा जो आया वो कहते हैं कि 700 करोड़ का था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये 800 करोड़ का था। और आप जानते हैं कि 2019 में इसे कंप्लीट होना था, मगर 2020 में ये कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेडियम का नाम जो है सरदार पटेल के नाम पर था, और इसका नाम जो है आज बदल दिया गया। इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। आप मुझे बताइए, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम लिखवाया है वहां, मगर देखिए वहां पे कमाल, एक था टैंक के नाम सुनिए, अदानी है, अंबानी है। मोदी जी के मित्र अमित शाह और उनके बेटे जय शाह, जय शाह वहां थे बीसीसीआई की, क्योंकि वो सेक्रेटरी है। और मैं देख रही थी कहीं पे कोई इनके प्रवक्ता टीम पे बता रहे हैं कि ये बीसीसीआई की अपनी है, तो बीसीसीआई को आपको मैं बता दूं कि बीसीसीआई को बहुत पैसा दिया जाता है, बजट में वो कह रहे थे कि दिखाते नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार बीसीसीआई को जो कम दामों पे वहां की सिक्योरिटी भी उपलब्ध कराती है और भी पैसा देती है। बीसीसीआई बहुत अमीर है, आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन मुझे दिक्कत जो है वो इस बात से है कि प्रवक्ताओं को पता नहीं कि क्या कहना है। प्रवक्ता जो है वो दौड़ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है कि अपने आप तो आप कुछ बना नहीं पाए आज तक, अगर बनाना ही होता तो कुछ नया बना लेते, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम को हटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखना क्या सही है? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना है कि उसमें जो मेन स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स एनक्लेव है, उसका नाम वो कह रहे हैं कि नहीं, वो हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव रखा है। तो आप मुझे बताइए कि आज सरदार पटेल की आत्मा क्या क्या कह रही होगी? यही तो कह रही होगी कि ये वही आरएसएस के अनुयायी हैं, आरएसएस के समर्थक, आरएसएस से उपजे लोग हैं, जो राहुल गांधी जिसको कहते हैं दो हम दो और हमारे दो, और सचमुच में ये दो और इनके दो का स्टैंड है। अमित शाह वहां पे मौजूद थे अपने बेटे के साथ, नरेंद्र मोदी के नाम पर ये बना, और अडानी एंड और अंबानी एंड हो गए ना, हम दो हमारे दो की सरकार। और जो स्पोर्ट्स एनक्लेव है अंदर, वो बना दिया गया सरदार पटेल के नाम पे। आज उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया, सरदार पटेल को अपने चारों तरफ से घेर कर एक छोटा सा अंदर स्पोर्ट्स एनक्लेव बना दिया। बड़ा है तो बड़े का तो बड़ा ही स्पोर्ट्स एनक्लेव होगा, मगर मुद्दा वो नहीं है। चारों तरफ आप अपना ठप्पा मार रहे हैं, आप नाम लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, और अंदर आप एक स्पोर्ट्स एनक्लेव बना रहे हैं जिसका नाम आप रख दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। आप मुझे बताइए क्या आपको ठीक लगता है? मैंने फिर कहा मुझे दिक्कत नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पे रख रहे हैं, पर मेरे को दिक्कत है सरदार पटेल का, जिसका जिनका ये कहते थे कि ये बड़ा सम्मान करते हैं, कांग्रेस सम्मान नहीं करती, उनके नाम पर बनाए गए स्टेडियम के नाम को क्यों बदला गया? क्या इसलिए बदला गया क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम पे इसको बनाया था? सोचिएगा कभी। या इसलिए बनाया गया कि बदला लेना था कि ये वही सरदार पटेल थे जिन्होंने बैन किया था आरएसएस को। जी हाँ, उन्होंने आरएसएस को न केवल बैन किया था, आपको बता दूं कि जब गांधी जी की हत्या जनवरी 1948 में हुई, तो फरवरी 1948 में संघ के जो चीफ थे गोलवालकर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको फिर जुलाई या अगस्त 1948 में छोड़ा गया था, शायद जुलाई में, लेकिन आरएसएस को बैन कर दिया था सरदार पटेल ने। उसके ऊपर से बैन तब हटा जब आरएसएस का नाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, परंतु उसके बाद के अपने पूरे जीवन में सरदार पटेल आरएसएस के विरुद्ध रहे। वो इसके ऊपर से बैन हटाना भी नहीं चाहते थे, मगर कानूनी प्रक्रिया में उनका नाम नहीं आया था, इसलिए उनको ये करना पड़ा, क्योंकि वो कानून से बंधे हुए थे और वो कानून को मानते थे, वे गांधी जी के सिपाही थे, इसलिए वो कभी भी आरएसएस को माफ नहीं कर पाए। देखा आपने, ये दिखाते कुछ है, ये करते कुछ है, ये चिंगारी जो जिसको आपने जलाई थी, ये सोच के कि इस मशाल से देश रोशन होगा, ये मशाल से देश रोशन नहीं होगा, ये मशाल ऐसी है जो आपको जलाएगी, जो घर घर को जलाएगी। और उम्मीद कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे आएंगे और अपने नाम को हटवाएंगे। अगर उन्होंने अपने नाम से कुछ बनाना है तो कहीं और जाके बना ले,
कोई नई चीज बना ले, कोई अस्पताल बना ले, कोई दूसरा स्टेडियम बना ले, मगर सरदार पटेल की जो लेगेसी है, जो आपकी और मेरी है, जो किसी एक व्यक्ति की नहीं पूरे देश की है, हर व्यक्ति की है, उसके ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात ये सरकार ना करे। और खास करके प्रधानमंत्री जी जो बार बार इस बात को कहते हैं कि वे पटेल का सम्मान करते हैं और कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया, तो कांग्रेस के समय से कांग्रेस के द्वारा बनाए गए स्टेडियम को रेनोवेट करने के बहाने इन्होंने पटेल के नाम को क्या किया, आप देख रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा साथियों। और एक आखिरी बात, क्योंकि कुछ कमेंट में मुझे अडानी अंबानी दिखा, तो मैं आपको कह दूं, एक तरफ अडानी एंड है, दूसरी तरफ अंबानी एंड, और ये भी एंड इनको खत्म भी करेगा। अभी तो इन्होंने लिखा है कि एक एंड अडानी एंड है, दूसरा एंड अंबानी एंड है, मगर अहंकार हमेशा ले डूबता है। आप भी कभी अहंकार ना करें। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी गंदी बातें कहते हैं, सुन लिया करिए, कोई बात नहीं, पलक के जवाब दे दिया करिए, मगर अपने मन को शांत रखा करिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोग हैं जिनको बैठाया गया है इसी काम के लिए, जिनको पैसा दिया जाता है केवल आपको ट्रोल करने के लिए, गंदी बातें करने के लिए, क्योंकि यही तो इनके संस्कार हैं। आपको मैं एक और चीज याद कराना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी जी 2004 में ग्रेजुएट हुई थी और 2014 में उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया उसमें अपने आप को अंडर ग्रेजुएट बताया, मतलब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी। तो आप मुझे बताइए, जिस पार्टी में लोग ऐसे हों जिनकी समझ इतनी हो कि वो पहले ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब वो ग्रेजुएशन करने के बाद अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं, है ना? और ऐसे लोग जो 6 दिन का कोर्स करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में जाकर, ट्रेनिंग कोर्स, और अपने आप को कहते हैं कि येल यूनिवर्सिटी से मुझे डिग्री मिली है क्योंकि येल यूनिवर्सिटी में मेरी नेतृत्व क्षमता को पहचाना है। ऐसे लोगों का मतलब मैं मान सम्मान तो सभी का करती हूँ, अपने दुश्मनों का भी करूंगी, लेकिन उनकी बातों को मैं तवज्जो नहीं देती। मुझे पता है कि मुझे अपने देश को ऐसे लोगों से बचाना है, इसलिए मैं आज आगे आकर अपनी बात को आप तक रख रही हूँ, क्योंकि देश को बचाना, देश हित के लिए काम करना उस प्रकार से जिस प्रकार से होना चाहिए वो सच होता है, वो सही होता है, ना कि देश हित की बातों को लेकर केवल उस बात को भुनाना वोटों की खातिर, वो गलत होता है। और मैं एक आपको आखिरी बात बता दूं कि राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बेवकूफ बनाया है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पे चंदा लिया है। 1993 में मैंने चंदा लिया, अब मैंने चंदा लिया, अगली बार करेंगे तब भी चंदा दूंगी, क्योंकि ये मेरी भी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आस्था के नाम पे मुझसे मांगा गया और मैंने दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे पंडा पुरोहित मेरे मंदिरों के हक हकूकदारी इस वक्त आंदोलनरत हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भगवान के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर जो वोटों की राजनीति करते हैं वो 51 मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऐसे और भी मंदिर जो है, कुल मिलाकर 51 मंदिर, उनके लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। और इन मंदिरों का अधिग्रहण क्यों करा जा रहा है? ताकि इसके चढ़ावे पर कंट्रोल किया जाए और इन लोगों से वो करवाया जाए जो ये चाहते हैं। विभाजन की राजनीति ये होती है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगो, मेरे बाबा केदार के नाम पे, मेरे बाबा बद्री विशाल के नाम पे, मेरी गंगा मैया, यमुनोत्री मैया के नाम पर आप इस तरह का खिलवाड़ कर दो, मंजूर नहीं है। उधर बंगाल में देखिए, कहते हैं राम, भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दुर्गा माँ को कम बता रहे हैं। दुर्गा माँ क्या खुश होगी ऐसी बातों से? या राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी जोर से आप ऊपर गए हो उतनी जोर से ईश्वर भी आपको नीचे लाएगा, क्योंकि सत्यता जो है उसकी हमेशा जीत होती है। जब भी अधर्म बढ़ा है दुनिया में तब तक ईश्वर आए हैं रक्षा करने के लिए।
फिर आएंगे। समय हो गया है हम सबको बचाने के लिए ईश्वर आने वाले हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर आपस में बिल्कुल न लड़िएगा, क्योंकि हम सब आखिर में एक है। जो लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें कहते हैं, इनके अंदर दम नहीं है। ये केवल भीड़ में आ सकते हैं। बाहर भी आएंगे तो याद रखें, केवल भीड़ में आके आप पर अटैक कर सकते हैं। अकेले एक के अंदर ताकत नहीं है। देखती हूँ कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो जो प्रवक्ता होते हैं, जब उनको देखती हूँ मैं, उनके साथ डिबेट पे बैठी होती हूँ, तो वो बोलना शुरू करते हैं ताकि आपकी आवाज दबे। गोदी मीडिया आपकी आवाज कम करता है, पहली बार। दूसरी बार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं, उनके पास कुछ कहने को नहीं है, उनका शब्दकोश कम है, तो वो तर्क भी नहीं है, और तीसरी बार शब्दकोश भी कम है, तो वो चिल्ला चिल्ली करते हैं ताकि आपको भी चिल्लाना पड़े। स्ट्रेन होता है, ऐसा नहीं है कि आज जैसे मैं आपसे आराम से बात करूं नहीं कर पाते, पर बोलना पड़ता है। लेकिन उन अगर वो मेरे टेडर को कम ना करें, मेरे वॉल्यूम को, तो मेरी आवाज को नहीं दबा सकते, मेरे तर्क के सामने अपने तर्क नहीं दे सकते। इसलिए आपको भी कहती हूँ कि अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। बुरा वक्त सदैव नहीं रहता। हर काली रात के बाद एक सवेरा होता है, और इस काली रात को जो हम झेल रहे हैं, देशवासी झेल रहे हैं, इसके बाद बहुत सुंदर सुनहरा सवेरा होगा। मुश्किल का समय सब साथ मिलकर अगर बिताएंगे, तो आज हमारे खिलाफ खड़े हैं वो भी हमारे भाई और बहन हैं। इसलिए उनके बारे में इतना ज्यादा मत सोचिए। वो बह रहे हैं, उनको लगता है कि उनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मतलब सरकार। और अगर सरकार का विरोध करेंगे तो वो जेल में डाले जाएंगे, या प्रताड़ित करा जाएगा, या ट्रोल आर्मी उनको जाके कुछ कुछ कहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत बनाए रखिए, उम्मीद जगाए रखिए, और अपनी ऊर्जा, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को बनाकर एक एक साथ इस बात को सोचिए कि ये हारेंगे और ये हारेंगे। और मैं वोटों की बात नहीं कर रही, ना नोटों की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हारेंगे। जो गलत करता है, स्वर्ग और नरक नहीं होता है। जो जितना गंदा करेगा, उसे उतनी सजा भगवान देगा, और आपके सामने, मेरे सामने होगा। एक नेता के बारे में बात, नाम नहीं लूंगी पर बात अवश्य करूंगी आखिर में, कि किस प्रकार से एक ऐसे नेता जिनको मुझे वो कभी भी बहुत अच्छे मतलब बड़े नेता थे, पर ऐसे नहीं लगे जैसे बहुत बड़े स्टेट्समैन है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है। मगर जब उनकी मौत हुई तो कहते हैं कि दो तीन दिन मृत अवस्था में वो अस्पताल में पड़े रहे। खुद का कारण क्या था वो अगर सोचेंगे तो याद आ जाएगा। किसी को भाषण देना था, किसी को अपनी इच्छा को पूरी करनी थी, क्योंकि वो व्यक्ति खुद से प्यार करता है। से प्यार आपको भी करना चाहिए, मगर दूसरों से भी प्यार करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए। भारत देश है, भारत देश को कोई कभी भी इस तरह की चोट नहीं पहुंचा सकता। हम इतने मजबूत है, हमारा धर्म इतना मजबूत है, हमें हमारी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता, हमारे धर्म पर कोई आघात नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए, हम एकजुट है, एकजुट रहेंगे, और एकजुटता हमारी कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस वीडियो पर चलते हैं, करीब दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।